अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा अगेन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्प्लिट एंड्स टुडे। स्प्लिट एंड्स यानी कि दो मुहे बाल। इसका जो टेक्निकल वर्ड है वो ट्रीकोप्टिलोसिस। दिस इज अ टेक्निकल वर्ड फॉर अ स्प्लिट एंड। तो ऑल दोज वीमेन हु आर ब्यूटिशियंस, हु आर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हु आर वॉचिंग मी, डू नोट डाउन दिस technical word because it's going to be important for you when you talk to your customers. It would look like you are a professional. अच्छा जी, ये क्यों होते हैं दो मुहे बाल? इसकी तीन चार वजूहात हैं। मैं आपको बहुत सारी होती है वैसे तो, लेकिन मैं आपको तीन चार बहुत ही इंपॉर्टेंट वजूहात बताती हूँ। सबसे पहले है जी हीट। हीट कैन बी ऑल्सो फ्रॉम द सन, स्कॉचिंग सन। इफ यू आर गोइंग टू मच इन द सन, इट कैन ऑल्सो बी कॉज बाय द आयरन्स दैट यू आर यूजिंग, द कर्लिंग टोंग्स और इवन द ब्लो ड्रायर्स। द ब्लो ड्रायर्स दीज डेज यू नो आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू डू अ ब्लो ड्राई विदाउट हैविंग एनी प्रोडक्ट इन देयर हेयर। ये ब्लो ड्राई क्रीम्स होती हैं, सीरम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी लाइफ में अगर आपको हेल्दी बाल चाहिए। दूसरी वजह जो हमारी स्प्लिट एंड्स है वो तो जी है क्लोरीन वाटर। नाउ क्लोरीन वाटर क्या करता है हमारे बालों के साथ? वो करता ये कि आपको जैसे सबको पता है कि हमारे बाल जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। अच्छा, प्रोटीन के ऊपर एक सीबम लेयर होती है यानी एक ऑयल की लेयर होती है हमारे बालों के क्यूटिकल के ऊपर जो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करती है। क्लोरीन वाटर उसको स्ट्रिप कर देता है और साथ साथ प्रोटीन को भी। जाहिर है जब आपकी प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव हो गई तो वो प्रोटीन को भी स्ट्रिप कर रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब केराटिन करवाते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव फिल्टर्स इन योर शावर सो दैट यू नो वो क्लोरीन वाटर अफेक्ट ना करे आपके आपके केराटिन को या आपके सीबम को, जो भी आपका सिलसिला है। सो यू सी दीज टू थिंग्स आर देयर। एंड देन मोस्ट ऑफ द वीमेन दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। दैट इज व्हाई इट कॉजेज अ लॉट ऑफ हेयर डैमेजेस और उनको पता भी नहीं होता। जिसके लिए आपको थोड़ी सी लीफी चीज़ें खाएं, लीन मीट खाएं और जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिवर वगैरह, ये चीज़ें जब आप खाते हैं तो ये जिंक आयरन ये सब में बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो बेसिकली द थिंग इज व्हेन यू हैव स्प्लिट एंड्स यू डू नॉट गो इनटू अ सैलून एंड गेट देम कट ऑफ, इट वोंट हेल्प। ठीक है, वो जो एकदम वो रिंग बना के एंड देन दे स्टार्ट कटिंग इट ऑफ, यू आर गोइंग टू हैव मोर डैमेजेस, यू आर गोइंग टू हैव मोर ऑफ द स्प्लिट एंड्स। ऑल यू नीड टू डू इज कीप देम मॉइस्चराइज, आप ऑयलिंग करें, अच्छा ऑयल लगाएं और बेसिकली कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड। यू नो योर स्कैल्प हैज टू बी हेल्दी, व्हेन योर स्कैल्प इज हेल्दी योर हेयर विल बी हेल्दी। सो आपको जो मैं ये टिप्स देती हूँ या जो मैं बातें करती हूँ आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ जो आपकी नॉलेज में नहीं है। सो बेसिकली व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट स्प्लिट एंड्स इज व्हेन यू आर ऑल्सो डूइंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स इन योर हेयर, लाइक यूजिंग wrong shampoos that are not for your hair. You can't use commercial shampoos. जब आप commercial shampoos use करते हैं तो उनके बहुत ही adverse side effects आते हैं, क्योंकि वो ऐसे agents use करते हैं जो हमारे यहाँ कपड़े धोने वाले सर्फ में use होते हैं। So those shampoos are not meant for your hair, because if you want beautiful hair you have to have professional shampoos। और आप एडवाइस लेके लें वो शैम्पू, नेसेसरी नहीं है कि हर अच्छा शैम्पू आपको सूट करे, आपके हेयर टाइप के हिसाब से होना चाहिए। सो यू नो यू हैव टू टॉक टू अ प्रोफेशनल, टू अ सैलून हु नो ऑल दीज थिंग्स। सो आई होप दिस वीडियो वॉज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू रिगार्डिंग योर योर स्प्लिट एंड्स, एंड आई होप दैट यू विल ट्राई एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट, व्हेन यू आर गोइंग फॉर स्विमिंग, swimming definitely has chlorine. You can use either a aqua guard, which is obviously एक proper serum होता है जो hair में लगा के फिर आप उसके ऊपर एक cap पहन लेते हैं ताकि वो chlorine water affect ना करे। I hope this video was helpful. Keep tuned, subscribe my video. See you again. Allah Hafiz from Sabah.